बॉलीवुड में वैसे तो कई ऐसे कपल्स हैं जिनकी जोड़ी फैंस को बेहद ही पसंद आती है। इस लिस्ट में कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम शामिल है। दोनों की जोड़ी काफी ही ज्यादा हिट है। शादी के बाद फैंस दोनों की पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी एक्साइटेड रहते हैं। आखिर इनकी शादी के बाद जोड़ी कैसी चल रही है? कियारा आडवाणी करण जौहर के शो में पहुंची थी, जहां उन्होंने बताया था कि वो सिद्धार्थ पर किस तरह से नजर रखती हैं। जी हाँ, दरअसल कियारा कॉफी विद करण शो में आई थी, जहां फिल्म मेकर ने जब उनसे सवाल किया कि क्या आप अपने पार्टनर के फोन में ताका झांकी करती हैं, तो इस पर एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि ताका झांकी तो नहीं, लेकिन वो अचानक से सिद्धार्थ से पूछ लेती है कि कौन है सिद्धार्थ। वहीं एक्ट्रेस बाद में बताती है कि मुझे लगता है ओह ये तो करण है। आपको बता दें कि ये वाक्या मजाक में चल रहा था। दरअसल कियारा आडवाणी उस वक्त मजाक कर रही थी, लेकिन इनके इस अंदाज को जहां कुछ लोगों ने मजाक में लिया, तो वहीं कुछ का कहना है कि कियारा शायद शक की बीवी है। वो अपने पति सिद्धार्थ पर शक करती है, लेकिन ऐसा बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जस्ट मजाक के अंदाज में अपनी बातें कर रही थी। कियारा आडवाणी के वर्क फ्रंट की अगर हम बात करें तो एक्ट्रेस ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। कियारा की अपकमिंग फिल्म रणवीर सिंह के साथ जॉन 3 है। इस फिल्म में कियारा ने प्रियंका चोपड़ा को रिप्लेस किया है। वहीं कियारा को भूल भुलैया 3 में तृप्ति डिमरी ने रिप्लेस कर दिया है। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा की बात करें तो अभी हाल ही में एक्टर फिल्म योद्धा में नजर आए थे। इस फिल्म में सिद्धार्थ की एक्टिंग की काफी ज्यादा सराहना हुई थी और हर कोई इनकी एक्टिंग का दीवाना था। बात करें अगर सिद्धार्थ की अपकमिंग फिल्म की, तो वो आएगी प्रीति सैनन के साथ। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट लाइव।